सो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है ड्रॉपिंग पॉड के एक और न्यू एपिसोड में। सो भाई आज एक अपडेट आने वाली है, छोटी सी अपडेट है जो हम बोल सकते हैं सितंबर की बैलेंस चेंजेस आने वाली है। इसमें छोटी मोटी चीजें आने वाली है। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पेज पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि भाई क्या क्या चेंजेस आने वाला है। लगभग मेरे ख्याल से कल आने वाला था बट ये आज आने वाला है। आज की डेट कितनी है भाई, 13 सितंबर है। आज शाम को लगभग 3 बजे क्लास ऑफ क्लाइंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके बताया गया था। यहाँ पर देखो, हे चीफ, फाइनली वी विल टेक अ मेंटेनेंस ब्रेक इन अबाउट एन आवर और टू टू रिलीज द बैलेंस चेंजेस अनाउंस अर्लियर। तो कुछ बैलेंस चेंजेस उन्होंने अनाउंस किया था जिसमें रॉयल चैंपियन और एयर डिफेंस के बारे में था, उनको नर्फ एंड बर्फ के बारे में। तो ये लोग लगभग 2 दिन पहले अनाउंस किया था बट आज ये मेंटेनेंस ब्रेक ला रहे हैं। और इस मेंटेनेंस ब्रेक के दौरान लगभग हाफ एन आवर या फिर 20 मिनट की मेंटेनेंस ब्रेक होगी जिसमें हमें ये चेंजेस देखने मिलेगा। वो क्या चेंजेस देखने मिलेगा मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली रिप्लेस विल बी डिलीटेड ड्यूरिंग दिस मेंटेनेंस। सो भाई जो भी रिप्ले होगा वार का या फिर अटैक्स का, सारे रिप्लेस खत्म हो जाएंगे, तुम कोई भी रिप्ले देख नहीं पाओगे। इसकी एक डिसएडवांटेज है, ओके। और ये सितंबर की बैलेंस चेंजेस है। और भाई क्या चेंज आने वाली है हम अभी देखते हैं। यहाँ पर देखना, विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ कपल बैलेंस चेंजेस इन एन अपकमिंग मेंटेनेंस, विल टाइम द मेंटेनेंस एंड बैलेंस चेंजेस टू गो लाइव आफ्टर द लेस इज मोर। लेस इज मोर एक चैलेंज था, उसके खत्म होने के बाद प्लस उसके जो चैंपियन था ना उसको सिलेक्ट करने के बाद ये मेंटेनेंस ब्रेक लाया गया ताकि जो स्कोर थी ना भाई उसको अफेक्ट ना करे और जो बंदा जीता हुआ है उसको मतलब डिमोरलाइज ना किया जाए। यहाँ पर देखना एक चेंजेस किया गया था। पहला है रॉयल चैंपियन, रॉयल चैंपियन के जो सीकिंग शील्ड होती है ना, जो हेल्थ रिकवरी रिड्यूस यहाँ पर देख सकते हो, उसके लेवल 5 और लेवल 6 के यहाँ पर देखना लगभग 20 लेवल से या फिर जो भी बोलो, मतलब हायर लेवल्स नहीं, 20 या जो भी लेवल से उसके लिए यहाँ पर नहीं किया गया, या फिर मान लो 30 या फिर जो भी, ओके 35 तक भी मान लो, बट यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया 5 और 6। इस दो लेवल को ये सिर्फ मेंशन करने वाले हैं, बाकी जितने लेवल्स वो सारे सेम रहेंगे, उसमें कोई असर नहीं दिखने मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो टावल 13 के इनिशियल बंदे उनको ये इफेक्ट देखने मिलेगा, बाकी किसी को इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। तो भाई जो ओल्ड HP थी ना लेवल 5 की, 2900 और जो लेवल 6 का वो 3200 था, और यहाँ पे उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया 2800 और 300। मतलब पहले वाला जो लेवल 5 है उसमें 100 HP रिड्यूस कर दिया गया जो रिकवर होता है, अब प्लस दूसरे वाले में भाई 200 HP रिड्यूस कर दिया। तो भाई एक आई थिंक सो तुम लोगों को लगता है माइनर चेंज है बट ए ह्यूज डिफरेंस मेक करता है भाई जब आप अटैक करने जाते हो। तो जो बंदा अटैक करता होगा लास्ट इनिशियल पॉइंट पर, जब वो शील्ड थ्रोइंग एबिलिटी या फिर हेल्थ रिकवरी एबिलिटी इस्तेमाल करता है ना रॉयल चैंपियन, तब उससे पता चलता है भाई छोटी सी जो फर्क कितनी बड़ी चेंजेस दिखाती है। अब प्लस नेक्स्ट है भाई एयर डिफेंस, जहाँ पर उसकी DPS इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब मान लो कि रॉयल चैंपियन नर्फ किया गया है और जो एयर डिफेंस उसको बफ किया गया है। जहाँ पर लेवल 12 की एयर डिफेंस जो है उसकी ओल्ड DPS है 480 और जो न्यू वाली है वो 500, लगभग 20 DPS इंक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है भाई, एयर डिफेंस को वो मोस्टली टारगेट कर रहा है। इसके मतलब पता है तुम्हें कि उन चैलेंज और एक और टीम है जो ग्राउंड अटैक मैक्सिमम टाइम करते हैं, और कुछ टीम है जिसमें से मैक्सिमम सारे के सारे यार एयर डिफेंस ट्राई करते हैं जो लून्स है। तो भाई मे बी उनके लिए या फिर उनके लिए काफ़ी डिसएडवांटेज होगा। तो भाई यही सारी चेंजेस है जो क्लास ऑफ क्लांस में आज असर होने वाला है जो है 13 सितंबर शाम को। ये मत बोलना कि भाई तूने बताया था कल, मैं बता रहा हूँ डेट 13 सितंबर शाम को 3 बजे आई थी ये नोटिफिकेशन। लगभग 4 बजे या फिर 5 बजे तुम्हें एक मेंटेनेंस ब्रेक दिखने मिलेगा, आधे घंटे या 20 मिनट के। उसके बाद भाई तुम गेम आराम से खेल सकते हो, बस इसमें एक प्रॉब्लम होने वाली है, वह है तुम रिप्लेस नहीं देख पाओगे। तो भाई इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ड्रॉपिंग पर को सब्सक्राइब करना, और हम नेक्स्ट टाइम कुछ और अपडेट्स की वीडियो लाएंगे जो काफ़ी मजेदार होगी। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।